ये उसका जो भगवान विष्णु का अवतारे हैं, इसमें पूरे दसवां अवतार अंकित किए गए। जैसे ये मत्स्य अवतार है सबसे पहले, और उसके बाद ब्राह्मण अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान अवतार, जो बलि का जो तीन पग जो जमीन को नापते थे ना वो है। फिर भगवान श्री राम होते हुए वो लक्ष्मण और राम जी का है। फिर आते हुए ये नौवां दसवां अवतार में भगवान बुद्ध का भी अवतार माना गया, तो यहाँ दर्शाए गए हैं। फिर ये कल्कि अवतार का दिखाए, अभी आना बाकी है कलयुग, यह कलयुग जी। और इस टेम्पल में सर एक खास बात यह है कि यहाँ का देखिए ये ज्वाइंट है, ये पता नहीं चलता क्योंकि ये जो ज्वाइंट हुआ है बेल का गुदा, सड़ा वाला गुड़, बम्बूल का रस, उड़द, हल्दी से ये गोंद बनता है, और जंगल में अनेक प्रकार का लाशा आता है। तो आज 10 प्रकार का लाशा मिला के इसको ज्वाइंट किए गए। आप भी आप 1600 साल पुरानी एक दूसरे ईंट को आप अलग नहीं कर सकते, और पहले से जो आज के ईंट से हल्का है 5 गुना, क्योंकि हम लोग आजकल करते हैं भूसा को हम पकाने का काम करते हैं, तो उस समय यहाँ का जो अनाज होते थे ना उसका भूसा को फेंकते नहीं थे, उसको ईंट में डालने का काम करते थे। हाँ ये दिखा है सर, क्योंकि इसको ये पकाया गया, गरम किया, बारीक बारीक जुड़े हैं। हाँ ये देखिए सर, ये धान का कहीं भूसे का ये दिख रहा है, तो उस समय भूसा को डाला जाता था, फेंकते नहीं थे। तो इन लोग अब जो ज्वाइंट किए वही आरव पेस्ट है, क्योंकि आजकल के ईंट में हम लोग क्या करते हैं, रेती मिलाते हैं, इसलिए 5 गुना ज्यादा वजन है और ये हल्का है, क्योंकि उसको पानी लगा यहीं से, पानी से निकाला गया। और ये जो कुएं है ये अंडाकार है, और यहाँ भी जितना भी कुएं मिलते हैं कोई गोलाकार नहीं, अंडाकार है, क्योंकि महानदी की वजह से, क्योंकि रेत है नीचे, रेत की वजह से, क्योंकि रेत निकलता तो गोलाकार रहता, तो ये अंदर धंसने का डर था, इसलिए इसको अंडाकार बनाया गया जी।